सबने देखा है कि किस तरह मैसेज करके लड़के उसको डरा रहे हैं कि रोमैसा को डरा रहे हैं और डराया कि वीडियो हटा दो, तो उसने वीडियो हटा दी, कमेंट्स भी डिलीट कर दी अपने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरा अब मुझे कह रहे हैं कि मैं अकेली लड़की, चलो मैं तो ठीक है, मैं किस तरह कर रही हूँ, मुझे फेम चाहिए, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं मुझे दौलत और शोहरत चाहिए, ठीक है। वैसे लोगों को, आवाम को नजर आ गया किसको क्या चाहिए, ठीक है। तो इन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है जो आपके सैलून में आई थी, इनके रिव्यूज के क्या आप बारे में? सब ठीक होंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं, काशी सैलून और सहर हयात के बीच आजकल क्या चल रहा है, कितनी बदतमीजी हुई सहर हयात के साथ काशी सैलून में। मुझे लगा था कि काशी जो सैलून के ओनर हैं, काशिफ सर या उनकी सिस्टर अनम, जो आके माफ़ी मांगेंगी, अपोलोजाइज की करेंगी, अपनी गलती मानेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काशिफ की जो बहन है अनम बाजी, वो आई, उन्होंने बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी कि एक लड़की के जो करेक्टर में बोला जा रहा है, अब उसके पास्ट को उछाला जा रहा है, उसकी पिक्चर लगाई जा रही है एडिट करके, मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे हैरत हो रही है उन लड़कियों पे, उन औरतों पे जो काशिफ को सपोर्ट कर रही हैं, ये सब देखने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल, जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फ्री में मुफ्त में काम करवाना है काशिफ से। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं काशीस में शूट करवा चुकी हूँ पहले, काशीस का, और मेरा ज्वेलरी का शूट था, मैं शूट कर ज्वेलरी का शूट था मेरा, वहाँ का स्टाफ इतना बदतमीज है, मेकअप का जो बेसिकली स्टाफ वहाँ का, आपके ही पीछे खड़े होकर आपकी बुराइयाँ करेंगे, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, जो आपकी आपके टिकटॉक पे लाइव दिखाई जा रही है, जो आपकी इंस्टाग्राम पे लाइव हमने दिखाई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे, नाम ले लेके बात करेंगे, अरे ये तो वो है ना, अरे ये तो वो है ना। उसके अलावा जब आपके ज्वेलरी चेंज वगैरह करवाएंगे, इतनी बेदर्दी से, इतनी जहालत से चेंज करवाएंगे, मेरा शूट था, इनके कपड़े वैसे ही भारी होते हैं बहुत, मेरा शूट था, मेरे हाथ पे ना चोटें लगी हुई थी जगह जगह। क्यों? क्योंकि ये लोग इतनी वो चेंज करवाने जाएंगे तो इस तरह चेंज करवाएंगे, आप कपड़े खींच खींच के, आपकी ज्वेलरी इतनी बुरी तरह उतारेंगे, ये सब मेरे साथ हो चुका है, और मैं ये सब और भी लोगों के साथ जानती हूँ कि जिन जिन के साथ हुआ है। इन सब के बाद मैंने इग्नोर किया, मैंने चली गई वहां से। इसके बाद मेरा दूसरा शूट था, दोबारा शूट के लिए बुलाया था, लेकिन मैं वहां नहीं गई, बहाने वगैरह बना दिए थे मैंने। लेकिन इनकी बदतमीजियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जब सहर हयात के साथ ये हुआ, वो लड़की सामने से कह रही है कि मेरा आपका मजाक नहीं है, तो आप कोई नहीं होते मजाक करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनम आती है, अनम आकर माफी मांगने के बजाय बदतमीजी कर रही है, चीप, ये इस तरह की लड़की के कौन करता है इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें अनम कर रही है। अनम जो सहर ने उनके सैलून को कोई कुछ नहीं बोला, उनके काशिफ सर को कुछ नहीं बोला, अनम को कुछ नहीं बोला, स्टाफ के बारे में बोला कि उससे बदतमीजी हुई है, तो मतलब माफी तो मंगवाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजाय इसके कि उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी पिक्चर एडिट कर रहे हैं, मतलब मुझे हैरत हो रही है कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे कर सकती है। मैं बायकॉट करती हूँ काशीज का, और मैं सबको कहूंगी कि अगर आप लोगों ने काशी से मेकअप करवाना है, काशिफ का सिग्नेचर मेकअप, तो आप पहले से एक दिन पहले भी कंफर्म करें उनसे कॉल करके कि काशिफ मुल्क में मौजूद है या नहीं है, और अगर वो मौजूद नहीं है तो आप काशिफ जाने की गलती हरगिज ना करें, क्योंकि उनका स्टाफ काशिफ की गैर मौजूदगी में इंतहाई बदतमीजी से पेश आता है। मैं सबको ये कहती हूँ, मैं हालांकि मैं वो थी जो हर जगह पे अपने वलीमे पे तैयार होने के बाद काशिश को रेकमेंड करती थी, हर एक को रेफर करती थी, और आज मैं कहती हूँ कि मैं बायकॉट करती हूँ काशिश का, काशिश की प्रोडक्ट का, उसके सैलून का, मैं दोबारा कभी उस सैलून में कदम भी नहीं रखूंगी, और मैं सबको मना करूंगी कि कोई भी वहां ना जाए, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं तो आपका स्पेशल इवेंट बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने हमें तैयार अच्छा कर दिया, खैर मेरी नन तो सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उनको तो काशिफ का सिग्नेचर मेकअप चाहिए था। हमने चले ब्राइडल, वो पार्टी मेकअप हमने करवाया, हम लोगों ने मॉडल मेकअप करवाया, हमारा हम अपने लुक से सेटिस्फाइड थे, बट यकीन करें पूरे इवेंट में हम सबका मूड इतना ऑफ था, क्योंकि हमें इतनी जलालत का सामना आज करना पड़ा है। अगर आपने इतनी जलालत के साथ दूसरे का फंक्शन बर्बाद करना है, तो मेरा ख्याल है आपको चूज करने का कोई फायदा नहीं है, आपका सिर्फ नाम है, आपकी सिर्फ बिल्डिंग ऊंची है, काम आपका जो है वो, सॉरी टू से, मैं कोई गलत वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपका काम जो है वो, मतलब वो इस काबिल नहीं है, आपका बिहेवियर, आपके स्टाफ का और आपका अपना, आप इतने ज्यादा मिस कमिटमेंट आप करते हैं लोगों के साथ। अगर सहर हयात को कोई ड्रॉबैक लगा या उसको कुछ लगा कि स्टाफ अच्छा नहीं है या किसी भी चीज में कोई मसला था, तो प्रोफेशनल, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे खड़ा किया, मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई फलां काम अच्छा नहीं था या फलां चीज अच्छी नहीं थी, तो बजाय इसके कि आप उस पर काम करें, उसको बेहतर बनाए, आप उसी बंदी पर पर्सनल अटैक करें, आप बोल रहे हैं कि हम तो उस बंदी को जानते भी नहीं है, ये फेम के लिए आई है, अगर वो फेम के लिए आई थी तो आपने उसको प्रमोशन के लिए क्यों बुलाया, वो तो फेमस नहीं थी ना, आपको तो फेमस लोग बुलाने चाहिए थे, आपने तो सबसे पहले सहर हयात को बुलाया। तो बजाय इसके कि आप लोग अपनी गलती माने, अपनी चीज सुधारें, उसी को गलत कहना तो किसी एंगल से भी प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता है।
दूसरी बात ये कि देखें ना तो काशिफ सर के ऊपर खुद की बात हुई, ना ही उनकी सिस्टर पे कोई बात हुई, ना ही काशिफ सलोन के काम पे कोई बात हुई, ना ही उनकी किसी चीज की क्वालिटी पे बात हुई, बात हुई उनके स्टाफ के बिहेवियर पे। इसमें ना काशिफ भाई का था कि काशिफ भाई का रवैया ठीक नहीं है, या ही उनकी बहन का था, किसी का भी नहीं था ना। मसला आपके स्टाफ का था, आपका तो मसला ही नहीं था। आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ को इंटेरोगेट करते, आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ से पूछते। क्योंकि देखिए एक कंप्लेन नहीं है, मैंने बोला, सहर ने बोला, रुमैसा ने बोला, दुआ ने, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कमेंट्स में बोल रहे हैं कि हम भी गए थे कुछ कुछ पहले, कुछ कुछ महीने पहले हम गए थे, हमारे साथ रवैया ठीक नहीं था। तो आप लोगों ने जो इतना बड़ा अपना माशाल्लाह से नाम बनाया है, आपने यहाँ पे सलून खोला, आपने लाहौर में उसकी ब्रांच खोली, आपको चाहिए कि आप इसको आगे लेके जाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। और पता नहीं कौन से लोग हैं, अच्छा सब जो अभी अचानक से रिव्यूज देने लग गए कि भाई आप लोगों को तो फ्री में काम करवाने, सर्विसेज करवानी, तो आप तो कहेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो चीज गलत होती है वो हर हाल में गलत होती है। हर किसी का हर जगह पे एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास 10 लोग आ रहे हैं और 10 में से 8 को आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा लग रहा है, और 2 को नहीं अच्छा लग रहा, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उन 2 को नजरअंदाज कर दें। हो सकता है आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, कुछ को आपका काम बहुत अच्छा लगता हो, कुछ को आपका स्टाफ बहुत अच्छा लगता हो, या लगता है, या वो आपके पास आते हैं, काम करवाते हैं कुछ सालों से या कुछ महीनों से, जो भी। लेकिन अगर कोई पहली दफा भी आया है और उसको आपका काम नहीं अच्छा लगा, कोई भी मसला बना है, तो उसको देखना भी आपका फर्ज बनता है। पहले तो कभी भी पूरे मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स ने, एक्टर्स ने, मॉडल्स ने एक साथ रिव्यूज देने शुरू नहीं किए। आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपको लोगों से गवाहियां दिलवाने की क्या जरूरत पड़ी। सहर ने तो किसी को नहीं बोला कि भाई तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, तुम बोलो सहर ठीक है। जिसने भी सहर का सपोर्ट किया वो ज्यादातर इसीलिए किया क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि लोग ये ना बोले कि भाई आपको इस बात का पता नहीं है, आप बिला वजह बोल रही हैं, आपके साथ कुछ हुआ है। ऑब्वियसली हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं पता होता तो शायद मैं इतना सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियो किया वो ज्यादातर इसीलिए किया क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि लोग ये ना बोले कि भाई आपको इस बात का पता नहीं है, आप बिला वजह बोल रही हैं, आपके साथ कुछ हुआ है। ऑब्वियसली हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं पता होता तो शायद मैं इतना सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियोज उठा के रीशेयर कर देती या कुछ भी कर सकती। लेकिन बकायदा बहुत लोगों के साथ ये सीन हुआ है, उनका स्टाफ काफी 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 हद तक बदतमीज है, उनको बात करने का सलीका नहीं है। देखें आपका कोई भी काम होता है ना, चाहे वो खाने का, चाहे वो कपड़ों का, चाहे वो सैलून्स का, कुछ भी काम है, वो आपके रवैये से आगे बढ़ता है। तो रवैया आपका अगर ठीक नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके तो पकड़े जाना था ना, तो वो हो गया। मैं चुप रही, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं ये स्टेप लिया, उन्होंने बोला भाई छोड़ो इग्नोर करो। इस तरह तो जितनी बातें करते जाएंगे उतनी ही बातें निकलती आएंगी। एंड ऑफ स्टोरी यही है कि अब तो आप लोगों ने ले ली ईगो पे बात, अब तो आपने भी सोशल मीडिया पे आके उसको झूठा कह दिया, उसने आपके बारे में बात कर दी, तो अब तो ईगो पे बात होगी। अब तो इस तरह की बात रही नहीं है कि बैठ के सेटल कर ली जाए। लेकिन अगर कोई भी आपके सैलून के बारे में कोई भी फीडबैक दे रहा है, तो आपको उसको एक नजर जरूर देखना चाहिए कि कहीं किसी हद तक ये बात सच तो नहीं है। क्योंकि आपकी अगर आपको वाकई में नहीं पता और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा, तो ये आपके लिए नुकसान है, आज नहीं तो कल आपको उठाना पड़ेगा। बाकी जिन लोगों को अभी भी झूठ लग रहा है कि सहर झूठ बोल रही, सहर फेम के लिए करिए, तो भाई हाँ झूठ ही बोल रहे हैं, हमें झूठ बोलना ही आता है, हम झूठी बोलते हैं। आप लोग सकते हैं अपने घरों में रहें, कमेंट्स में आके फजूल जो है अगले बंदे को डिसहार्ट ना करें, और ना ही उनकी फैमिली के बारे में, उनके करेक्टर के ऊपर कोई बात करें, बराए मेहरबान। जैसे कि आप सबने इन सब की वीडियोस देख ली है, तो चले अब कह दें कि ये लोग भी झूठी हैं, ये भी तो गई थी ना सैलून्स में, ये लोग भी झूठी हैं। और वो जो बाकी आवाम है जो कमेंट्स में कह रही है कि हाँ हमारे साथ यही हुआ है, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज हैं, ये वो ब्ला ब्ला, तो सारे झूठे नहीं हो सकते, और एक आप अकेले सच्चे नहीं है, ठीक है। और ये कॉल्स कर कर करके रिव्यूज दिलवाना, ये हरकतें बंद कर दें। अब जो ब्लू वॉल के पास इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई दिखाई, वहाँ पर बैठकर मैं रो रही थी, तो ये असाम जो है ये कह रहा था सिमी को इसको हंसाओ, चलो चिल करो। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, इनका एक लड़का था, ये बोल रहा था असाम ये बहुत खास है, ये लड़का नहीं है, मतलब ये जो दूसरे टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े से और टाइप के खास होते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब आप समझ जाएं वो क्या था। वो इस तरह मुझे समझा रहा था कि ये लड़का ना समझो इसको, ये दूसरा है जो खास लोग होते हैं, अल्लाह के खास लोग होते हैं। अच्छा खैर मैंने उसके साथ, उसने मुझे पानी पिलाया और पानी पिए चुप करे, फिर असान नीचे बैठ गया कि वो सॉरी करेगा जब मैं रोई हूँ, वो सॉरी करेगा आकर, अभी रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो ठीक। और फिर उस लड़के ने कहा, और ये लोग कह रहे हैं पेन फॉलिंग है इसकी, तो इसको किसी ने पहचाना नहीं, तो ये वो हो गई कि मुझे तो किसी ने पहचाना नहीं है। तो बकायदा उस लड़के ने मेरे साथ वीडियो, उस लड़का था उसने मेरे साथ वीडियो बनाई, फैन मूवमेंट लिया उसने पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसको, इसने जब माफ़ी नहीं मांगी तो मैंने उसको, मैं वीडियो बनाऊंगी अब, तो उसने बोला ऐसी कोई बात, ऐसी भी बात नहीं है, हमको यहाँ पे एवं नहीं बैठे हुए, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर मैं ऊपर चली गई, फिर ऊपर मैं गई, इसने सामने मुझे मैसेज किया नीचे जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मैं नीचे उतर गई, मुझे लगा अब ये माफ़ी मंगवाएगा इसलिए इसने मुझे नीचे बुलाया। जब मैं नीचे उतर के गया था, चलो ठीक है जाओ, ये इनकी बात हुई थी, पूरी फुटेज नहीं इन्होंने दिखाई। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रो रही थी वहाँ, वीडियो थोड़ी सी दिखाती हूँ, आपको मेरी आंखों से पता लग जाएगा कि मैं वहाँ पर रो रही थी।
ये वो वही वॉल है जिस वॉल की मैं बात कर रही हूँ, ब्लू वॉल के आगे की वीडियो दिखाओ, ब्लू वॉल के आगे की वीडियो दिखाओ। इसी वॉल के आगे बैठकर मैं रो रही थी, ये जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर का, मैं रो रही थी बैठकर। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर वो नीचे बैठा, अच्छा चलो ठीक है, वो जाते हुए सॉरी करेगा या कुछ भी। आप मेरी देख सकते हैं आंखें, मेरे चेहरा देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रोई हुई हूँ, बट मैं स्टिल इनका शूट करवा रही हूँ। और उसके बाद फिर ये लोग मुझे हंसाने के लिए, चिल कराने के लिए मेरी दोस्त को कह रहे हैं कि इसको हंसाओ, फिर मेरी दोस्त मुझे हंस के उछल के जो कह रही ना, उछल रही है, उछल खेल कर मुझे हंसा रही है। अब इन्हीं के स्टाफ का एक लड़का है, इन्हीं का अनफॉर्चुनेटली वो इन्हीं का फोटोग्राफर है, इनके सारे ही फोटोग्राफर ऐसे हैं। उसने वीडियो लगाई, पिक्चर मेरी फैमिली को ऐड किया बीच में, और उसमें गालियाँ लिखी उसने, ठीक है। उस पर मैंने उसको मैसेज किया कि मैं साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करूँगी, वो तुम्हें कॉल करेंगे, आज ही तुम्हें अपनी कॉल दिखाती, तुम काशी के ही बंदे हो। उस बंदे ने सबसे पहले वो वीडियो रिमूव किया, ठीक है, वीडियो रिमूव करके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे अनब्लॉक किया, अनब्लॉक उसने मुझे इसलिए किया क्योंकि उसको फिर काशीज और अनम ने बढ़ावा दिया होगा, कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है, जैसे ये उस मास्क को दे रहे हैं बढ़ावा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका, इनका जो स्टाफ है दूसरा, उसकी पिक्चर और उसका अकाउंट जहां पर उसने गालियां दी हुई थी, उसने डिलीट कर दी। ये वो घटिया लड़का है, काशी का स्टाफ है, फोटोग्राफर है, जिसने इस तरह गालियां लिखकर हले लगाई। फिर मैंने इसको मैसेज किया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद इसने वो वीडियो हटा दी, रिमूव कर दी। फिर उसके बाद इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि फिर इसको काशी ने, अनम ने बढ़ावा दे दिया होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमने मास्क के साथ ही है, जो भी तुम करो हमें सपोर्ट। फिर इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया, और आप देखें काशी के साथ इसकी पिक्चर्स भी हैं। आप बताएं मुझे काशी, इतनी सुथरी बहुत है आप लोगों की, ठीक है, शर्म आ गई आप लोगों को? अब क्या नया लेकर आएंगे या क्या नया प्रोपोगंडा शुरू करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग मुझे बताएं।